मोदी जी का? हाँ। कौन मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे होंगे प्रधानमंत्री। और जो बीजेपी को हराएगा उसी को हम लोग वोट देंगे, सीधी सी बात। हाँ। मोदी जी का पप्पू फेल कर रही है। अच्छा पप्पू पास होके मोदी जी को फेल कर दे, खाली गोदी मीडिया सुधर जाए। हाँ। तो मोदी जी एक सेकंड में जी कुर्सी छोड़ दें, एक सेकंड में। मोदी जी 10 साल बहुत हो गए अब कांग्रेस के। कांग्रेस के। अच्छा आप लोग बदलाव चाहते हैं? कोटेदार पैर तोड़ दिए थे मार के। कोटेदार का नाम क्या है? आने वाला है तो 200 रुपये हम कही देते हो का है। हाँ। हाँ का। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और मोदी जी हवाई जहाज में। चुनाव नजदीक आता जा रहा है और चुनावी चक्कर चल रहा है गांव-गांव। उसी सिलसिले में आज इस गांव में आकर हम पहुंच चुके हैं। थोड़े जनता जनार्दन यहाँ बातचीत करेंगे। हमसे क्या पूछे तो हम अभी 60 साल के ऊपर बैल है भाई। काफी 60 साल में तभी तो आप बता पाएंगे। गाय हाकित है बस बस। तो वो योजना एक योजना हो गई। हाँ। गाय हाक रहे हैं। हाँ। गाय हाकने का कुछ पैसा वैसा दिया जाता है? कुछ नहीं पैसा। और हम अपने घर से दिए थे 2000 रुपए तो दे रहे खतौनी। अरे तो हम 4000 रुपया महीना नौकर नहीं रखे है, अभी रखे हैं। और का? अच्छा तो मोदी जी को तो जानते ही होंगे। मोदी का अच्छी तरह से पहचानी थे। आप हमसे उम्र में काफी बड़े हैं। आपने काफी सरकारी काफी सारी सरकारें देखी हैं। कांग्रेस की सरकार में गौवंश वाली समस्या नहीं थी? तो ये गौ जो हैं जो घूम रहे हैं हमारा पशु कौन छोड़ रहा है? योगी मोदी। कौन छोड़ रहा है? योगी मोदी। अच्छा कांग्रेस की सरकार में सब समस्याएं नहीं कुछ नहीं था? ना कांग्रेस के सरकार में था ना अखिलेश की सरकार में था ये सब। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिक्री हो रही है तो आदमी दूध खाए ले छोड़ दें जाओ। तो इनको इनके रोकथाम के लिए गौशालाओं का तो निर्माण करवाया गया है। गौशाला में एक कोई जानवर ही नहीं है। हाँ जो 20 लाख रुपया प्रॉफिट लगे बनवाई ना। हम खुद बनाने वाले हैं। को नहीं है? आज को नहीं है। चाकू योद में बना हुआ नहीं है, गंभीरवा बनाया हुआ नहीं है। तो मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा? क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो चाहे जी को आ जाए वही भारी है। यहाँ पब्लिक घूम जाए उधर पलड़ा पब्लिक। आप भी हैं इस बार गठबंधन है मैदान में। क्या कुछ लगता है प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ गए क्योंकि जानवर की वजह से पड़ी। किसान जो पीड़ित है, किसान जो पीड़ित है पशुओं से पीड़ित है बस। खाली क्योंकि 2000 रुपया महीना 6 महीना में नहीं दी। हाँ। पता चला कि 3000 रुपया तार लाए हम लगाया है। और कोई मुद्दा है? और कौन मुद्दा? वही महंगाई तो है या नहीं दम को? महंगाई तो बहुत है। महंगाई भी है? भाव का बेरोजगारी भी नहीं होगी? बेरोजगार का मंजूरी यहाँ 214 रुपया दिया था लेबर के। हाँ। 400 रुपया दिया था राजमिस्त्री के। हाँ। सर चल जाते हैं बेचारे अपन घर देखा की जाके वहाँ बचाव खेत। महंगाई भी ज्यादा है? महंगाई बहुत ज्यादा है, तनिक ना ज्यादा। बता रहे हैं मोदी जी हमें 5 साल फिर मौका दीजिए, इस बार महंगाई खत्म कर देंगे, सिलेंडर 400 में आ जाएगा। हाँ हाँ ये बात सही है। 15 से 12 इलेक्शन आने वाला है तो 200 रुपये हम कही देते हो का है। हाँ का यही सोच लो कि ऐसे वहाँ कर्नाटक में क्या चल रहा है कांग्रेस का। आओ क्या परचम लहरा रहा है? आओ का कांग्रेस लहरा रहा है वहाँ आई हुई दक्षिण भारत। आओ का मोदी जी बता रहे हैं हम भी छाए हुए हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में छाए हुए थे तो ये दशा ही ना हो। आप लोग इतना नाखुश क्यों हैं? मोदी जी तो बता रहे हैं भारत देश को चांद तक पहुंचा दिया है। नाखुशी नहीं है, खुशी भी है। नाखुशी केवल जानवरों की है। बता रहे मोदी जी चांद पहुंचा दिए, मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। विदेश में तो खराब है लेकिन वो जानवर छोड़ दी नीचे वजह से खराब है। तो क्या होगा, बदलाव होगा? राहुल गांधी आएंगे इस बार? कोई भी आवे काम अच्छा करे बस। अच्छा काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। कोई भी आए, आप लोग के अच्छे दिन आए? कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार आवे लेकिन जैसे पहले रहा वैसे अब रहा तो अच्छा। अच्छे दिन आए आप लोगों के? अच्छे दिन तो रहबे किए लेकिन वो बुरे दिन कह दिए ना जानवर छोड़ के। अच्छा बुरे दिन वो कर दिए जी। में नहीं आए 15 लाख। कौन 15 लाख याद नहीं आए? मोदी जी बताए कहने के लिए है, कहने के लिए 15 लाख आता है। कोई बता दे कि हमारे खाते में आया हो। 5 किलो राशन हो तो आप लोग खा रहे फ्री में? 5 किलो कहाँ दे थे कोटेदार, 4 किलो दे थे। अच्छा वो 1 किलो खा लेते हैं, 1 मिनट पर 1 किलो काट लेते हैं। 4 किलो देते हैं? 4 किलो तो पक्का देते, ज्यादा बोले तो मारे जाओ। और कौन मारेगा? कोटेदार। कोटेदार और को मारे? कौन मारा है, कब मारे? अरे एक जगह न देखो 50 जगह देखो, यहाँ कुछ काल हो जाए तैनात हो जाता हमारे कत्ती। आपको मारे हैं? आपको मारे हैं? गांव में मारे रहा है कोटेदार यार, उनका भाई ने तो घोर टूट गया यार। कोटेदार पैर तोड़ दिए थे मार के। कोटेदार का नाम क्या है? रामकुमार। पिताजी पिताजी के जिलेदार नाम। किसके नाम से है दुकान? रामकुमार। रामकुमार नाम से। रामकुमार इसी गांव में है? हाँ यही। अच्छा ठीक है, कुछ युवा भी यहाँ है, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं क्योंकि अभी
जो सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में गौवंश वाला है, दूसरा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। अच्छा दिन आए आप लोग के बाद 2024 आ रहा, अच्छा दिन ही दिन है, दिन ही दिन है, दिन ही दिन है, 24 आ रहा है इस बार। मोदी जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी, राहुल गांधी बता रहे हैं कि गठबंधन हम बना के चारों तरफ से घेर लिया बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का घेर है, कांग्रेस का घेर है, अपने को का कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई हमको दे थोड़ी ना रहा। लाभ तो नहीं मिला, गल्ला खाली मिला, खाली गल्ला मिला था। हाँ, नील गाय खेत चर रहा था, तो नील गाय खेत चर रहे हैं। खतौनी तो मिलती होगी, खतौनी कहाँ मिला था, खतौनी नहीं मिलती है। अच्छा तो क्या होगा इस बार, किसका पल्ला भारी है? कांग्रेस के, कांग्रेस के। अच्छा आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। मोदी जी को जानते हैं? वो मोदी जी के नाम सुने हो? मोदी जी का? हाँ कौन मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे होंगे प्रधानमंत्री, और क्या। अच्छा इस बार चुनाव फिर से होने वाला 2024 में चाचा। हाँ इस बार राहुल गांधी है फील्ड में, क्या होगा बदलाव आप लोग करेंगे? हम लोग बदलाव तो आप लोग करेंगे, पंडित जी बदलाव करेंगे, पंडित जी बदलाव करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुस्लिम कुछ कर ही नहीं सकता है? कुछ नहीं करेगा, कौन करेगी? जनता जब सब जुटेगी तब। अकेले मुस्लिम से नहीं होगा कुछ भी, जो बीजेपी को हराएगा उसी को हम लोग वोट देंगे, सीधी सी बात है। जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे। अच्छा इतना आप लोग नाखुश क्यों हैं? नाखुश तो खुश कब रहे? कांग्रेस की सरकार में आप लोग क्यों, जो अभी जो आप लोग कुछ लाभ योजनाएं पा रहे हैं, क्या ये सब नहीं पा रहे थे? हमको तो कुछ नहीं मिला है इस गवर्नमेंट में, कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कोई कॉलोनी वालोनी जो गांव में जो पात्र होते हैं पाने के, कॉलोनी वाले जो पाने वाले हैं वो पा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, हर 5 साल के बाद बदलना चाहिए, लेकिन पब्लिक ने नहीं बदला है। हाँ अब चाहेगी तो बदल जाएंगे। अच्छा कौन होगा अगला पीएम, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी, राहुल, राहुल गांधी। हाँ, राहुल जी, राहुल गांधी। कौन होगा सच्चा अगला पीएम? राहुल, राहुल, राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी का है नहीं? मोदी जी बढ़िया काम की नहीं से, मोदी जी बढ़िया काम की नहीं से नहीं रहेंगे। बढ़िया काम के इसलिए नहीं रहेंगे? बढ़िया काम किए तब तो रहना चाहिए। हाँ तो ये हमारे खेत रातों दिन बचाओ जाता चला जाता है, कोई चीज मार दी जाए तो तुरंत हम कर दो अंदर कह दे। कौन अंदर कर देगा? जेल में रख देंगे, और कहां पुलिस वाले सब कहां, जानवर को मार देंगे तो सब कहां। तो मारना तो वैसे ही नहीं चाहिए, तो जानवर जो खेत चलो हम लोग जात दिन बसाई थे तो कहां खा लेंगे सब तेरे लिए, बस रक्षा ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं, सिर्फ पशुओं से परेशान है। अच्छा भैया कहां चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी? राहुल गांधी। कहां है मोदी जी अच्छे नहीं लगे? कुछ योजनाएं, कुछ योजनाओं का लाभ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भैया, क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जी को। क्यों मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी 10 साल बहुत हो गए आपसे बता रहे हैं, राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू तब भाई तो पप्पू आपसे कमाल लग गई हैं। हाँ बता रहे राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू तो फेल करिए सबका, मोदी जी का पप्पू फेल करिए। अच्छा पप्पू पास होके मोदी जी को फेल कर दे, खाली गोदी मीडिया सुधर जाए तो मोदी जी एक सेकंड में तुझे कुर्सी छोड़ दे, एक सेकंड में। अच्छा गोदी मीडिया की परिभाषा क्या है? हम पढ़े लिखे ना है लेकिन गोदी मीडिया खाली सुधर जाए बस। अच्छा गोदी मीडिया किसे कहते हैं? जितने पत्रकार सही साठ बोलने वाले थे सारे पत्रकार का छोड़ा गया, नौकरी छुड़ाई गई कि नहीं गई? 14 लोग थे। और जितने वो मतलब लगावा फसावा वाले हैं जो सही न दिखा खाली गलत फेर बदल करके दिखाते हैं, वही ना इस टाइम। खाली वो व्यक्ति मीडिया सुधर जाए तो मोदी जी उसे छोड़ दे ऑटोमेटिक। अच्छा मोदी जी को जिताने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है? सबसे ज्यादा हाथ मीडिया का है। अच्छा इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी ठीक है, ठीक है। चलिए जनता का मूड क्या आपको समझ में आ गया होगा, भगवानपुर माफी जो है ये मुस्लिम बाहुल गांव है, बाकी जो बता रहे यहां पे जो सबसे बड़ी समस्या है गौवंश वाली समस्या है, और जो गौवंश वाली समस्या है यही ग्राम पंचायत ने सभी ग्राम पंचायतों में समस्या है गौवंश वाली, गाय बहुत परेशान के किसानों को, सारा खेत चर जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी को इस बार नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ के जो पसंदीदा लोगों के जो पीएम बता रहे हैं राहुल गांधी हैं, बता रहे गोदी मीडिया की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।